नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइफ, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। दुर्गा पूजा से पहले सिलीगुड़ी में डेंगू का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। इस बीच डेंगू से एक बच्चे की मौत होने का भी मामला सामने आया है। सिलीगुड़ी शहर में हड़कंप मचा हुआ है। सिलीगुड़ी नगर निगम के 42 नंबर वार्ड स्थित प्रकाश नगर के लिंबू बस्ती में डेंगू से 3 साल 8 महीने की एक बच्चे की मौत हो गई है और इस बात को लेकर पूरे सिलीगुड़ी शहर में हड़कंप मचा हुआ है। कल उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कल रात को ही उसकी मौत हो गई है और वहीं बीते 7 दिनों में डेंगू से कुल 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि संक्रमितों की संख्या सिलीगुड़ी शहर में 500 के पार हो गया है। सिलीगुड़ी पहुंचे नए पुलिस कमिश्नर अखिलेश चतुर्वेदी, कहा पूजा और पूजा कार्निवल सफलतापूर्वक संपन्न करनी पहली प्राथमिकता। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के नए पुलिस कमिश्नर अखिलेश चतुर्वेदी मंगलवार को सिलीगुड़ी पहुंचे। वे मंगलवार दोपहर को कोलकाता से बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बात की और फिर सीधे अपने आवास के लिए चले गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार वे आज कमिश्नरेट का पदभार संभाल सकते हैं। नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर अखिलेश चतुर्वेदी ने बागडोरा हवाई अड्डे पर पत्रकारों को कहा कि आगामी दुर्गा पूजा और इस अवसर पर आयोजित होने वाले पूजा कार्निवल पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वे इसे सफलतापूर्वक संपन्न करना चाहते हैं। दूसरी कथा सर, वेलकम सिलीगुड़ी, की बोलबेन सिलीगुड़ी वासीर जन्य? आमी खूब खुशी आछि एखाने आसार परे, आर आमादेर फर्स्ट प्रायोरिटी आछे पूजाटा देखार, आर खूब शीघ्र ही आमरा চেষ্টা করবো কি বেটার খুব সুস্থভাবে পূজাটা কাটুক। আর স্যার দুটো সমস্যা আছে শিলিগুড়ি, সেটা হলো ট্রাফিক জ্যাম ড্রাগস স্যার। एनजीपी पुलिस ने अवैध कफ सिरप के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। पुलिस सूत्रों के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर एनजीपी थाने के पुलिस ने फुलवाड़ी से सटे जोटियागली इलाके में अभियान चलाकर अजीजा रहमान नामक शख्स को भारी मात्रा में कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का घर मालदा में है। वह काफी परिमाण में कफ सिरप तस्करी के इरादे से यहाँ लाया था। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। इस घटना में और कौन कौन शामिल है पुलिस इसकी जाँच कर रही है। उसे जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। हथियारों के साथ इलाके के लोगों पर हमले की घटना में 3 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के आसीगर आउटपोस्ट की पुलिस ने 24 घंटे के भीतर शांतिनगर में स्थानीय लोगों पर हुए हमले की घटना से जुड़े रहने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों को मंगलवार को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। भाजपा ने कल गिरफ्तार हुए उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के कुलपति शुभरेश भट्टाचार्य के इस्तीफे की मांग को लेकर मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया है। गौरतलब है कि कल सीबीआई ने उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के कुलपति और एसएससी के पूर्व अध्यक्ष शुभरेश भट्टाचार्य को एसएससी भर्ती घोटाले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष दलीय कार्यक्रम में शामिल होने मंगलवार को जलपाईगुड़ी पहुंचे। वे आज सुबह पदातिक एक्सप्रेस से कोलकाता से जलपाईगुड़ी रोड सेट पर उतरे। उन्होंने कहा, बंगाल का मार्गदर्शन करने वाले ऋषि मुनि इस शिक्षा प्रणाली से निकले हुए हैं और उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय से भी कई बड़े महान लोग निकले हुए, लेकिन मौजूदा स्थिति में भ्रष्टाचार पूरे तरीके से लिप्त है बंगाल सरकार। सिलीगुड़ी के निकट फूलबाड़ी के तिस्ता कैनल से मंगलवार सुबह एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया। खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की खबर मिलते ही एनजीपी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स परनामी मंदिर रोड में ASGI हॉस्पिटल के पास में है। हम लोग यहाँ पर ये दरवाजा बनाते हैं। दिस डोर्स आर कस्टमाइज डोर्स, योर टेस्ट, योर कलर, योर डिजाइन। 3D डिजाइन भी पॉसिबल है। दिस आर बिटवीन अ प्राइस रेंज ऑफ 4,000 to 6,000 rupees। दिस ऑल कैरीज अ वारंटी ऑफ 5 years। वी डू 3D कार्विंग ऑन द डोर। ये टीकूड डोर है, 100% प्योर टीकूड। हार्डवुड में भी दरवाजे बनाते हैं हम लोग। इसके अलावा फ्लावर पैटर्न डेकोरेटिव डोर्स भी बनाते हैं। दिस ऑल आर PU पॉलिश्ड। दिस इज अ रियल पाइनवुड डोर। ये रॉ डोर है, ये हार्डवुड से बना हुआ है। अपने घर को एक स्मार्ट और सुंदर बनाने के लिए हैवेल्स प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। अपने घर की सजावट उभारें स्मार्ट लाइटिंग द्वारा। हैवेल्स इलेक्ट्रिकल्स की नई रेंज पेश करता है सजावटी पंखे, LED लाइटिंग,
किचन और होम एक्सेसरीज, मॉड्यूलर स्विच, एयर कूलर, एयर प्यूरिफायर और बहुत कुछ। इलेक्ट्रिकल्स में गुणवत्ता, सुरक्षा और सुविधा के लिए एक ही नाम हैवेल्स। विजिट करें महावीर इलेक्ट्रिकल्स, एनएक्स, हैवेल्स, गैलेक्सी, जेमहाउ, बिसाइड उत्तरबंग मारवारी भवन, सेकंड माइल, सिलीगुड़ी। के तपाईको परिवारले भन्नी गर्छ कति जोडले टिभी चलाइराखेको? के फोनमा कम्ती सुन्नुहुन्छ? के भीडभाडमा सफा सुन्नुहुन्न? के एकजना भन्दा अधिक मानिससँग कुरा गर्न असुविधा हुने गर्छ? अर्थात् कानमा समस्या भए आज सम्पर्क गर्नुहोस् नर्थ बेङ्गल हियरिङ एड सेन्टर, अपोजिट विधान मार्केट अटो स्ट्यान्ड सिलगढी। फोन नम्बर 8509454426। Hear better, live better. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हैवेल्स, गोल्ड मेडल, आरआर कैबेल्स, क्रेबिट्री, लेग्रेंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760-830-848-58। आर यू ड्रीमिंग टू वेक अप अंडर द कॉमिंग टर्किश स्काइज? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर Orchid Building, opposite Vega Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. This is the membrane door. Made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC 4 grade, AC 5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 94340-40400. Shadi ho ya koi function? याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। वी आर इन फोटोग्राफी सिंस 1966। Somani Digivision and Productions, Siliguri, 94340-23813। Godrej Interio घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN Interiors, Godrej Showroom, Planet Mall, Sevok Road, Siliguri। स्वास्तिक टावर सालुगड़ा सिलीगुड़ी के लिए लाया है 2BHK फ्लैट मात्र 22,61,000 रुपए ऑनवर्ड्स में। अभी नहीं तो कभी नहीं। स्वास्तिक टावर, अतिरिक्त सुविधाएं, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, रूफटॉप गार्डन, गजेबो सीटिंग, योगा एरिया, ओपन जिम, कार पार्किंग, CCTV एंड जनरेटर। स्वास्तिक टावर सालुगड़ा सिलीगुड़ी। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 6295700351। पंजाब सरकार डियर 200 मंथली लॉटरी। पहलो पुरस्कार 1,20,00,000 रुपया। टिकट को दाम मात्र 200 रुपया। पहलो पुरस्कार केवल बिक्री भाया का टिकट हुरुबाट। जरूरत हो WPVC दरवाजा या चौखट या फिर PVC प्लाईवुड जो बढ़ाएगी आपके घर के मॉड्यूलर किचन की शान, साथ ही वाटरप्रूफ प्लाईवुड लगाइए, चलेगा सालों साल, बेफिक्र हो जाइए।
मार्केट प्राइस से सस्ते का वादा, क्योंकि होलसेल है हम तो बताइए क्या है आपका इरादा। वुड स्टॉक, रामसर रेंटल्स, थर्ड माइल, सेवोक रोड, ऑपोजिट सिंड्रेला होटल, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9735198663। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने मंगलवार को जलपाईगुड़ी में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा, तृणमूल पार्टी ने राज्य के सभी कार्यालयों को भ्रष्ट कर दिया है। दिलीप घोष ने कहा, तृणमूल समाज को पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास कर रही है। इस पार्टी ने शिक्षा विभाग, पुलिस प्रशासन सहित विभिन्न विभागों और उसके अधिकारियों को भ्रष्ट कर दिया है। বসে থেকে লুটপাটটা করেছে, আর পার্টি সরকারের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত তার সুবিধা সবাই পেয়েছে। এতে পুরো পশ্চিমবাংলার তথা বাঙালি সমাজের মাথা নিচু হয়ে গেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই ধরনের ঘটনা আমরা দেখতে প্রস্তুত ছিলাম না। এখন সাধারণ মানুষেরও মনের মধ্যে ক্ষোভ আছে। মানুষ বলছে, আমরা বিরোধী হিসেবে আমরাও দাবি করছি, পার্থবাবু মন্ত্রী ছিলেন, তিনি রাজি হননি পদত্যাগ করতে। दुर्गा पूजा से पहले सिलीगुड़ी में डेंगू तेजी से फैल रहा है। बच्चे, युवा और वृद्ध सभी डेंगू से पीड़ित हो रहे हैं। इधर शहर में तेजी से बढ़ रहे डेंगू की रोकथाम की मांग को लेकर माकपा ने आंदोलन तेज कर दिया है। डेंगू के बढ़ते मामले को चिंता जताते हुए मंगलवार को माकपा ने सिलीगुड़ी नगर निगम की 2 नंबर बोरो कमेटी को एक ज्ञापन सौंपा और इसके साथ ही मच्छरदानी लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। সকলে জানেন যে গোটা শিলিগুড়ি শহরে ডেঙ্গু পরিস্থিতি ইতিমধ্যে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। তার পাশাপাশি দেখবে যে শারদ উৎসবের আগে সমস্ত রাস্তাঘাটগুলো, ড্রেন, এগুলো সংস্কার করা হতো। যে সংস্কারের কাজ এই ওয়ার্ডগুলোতে বন্ধ হয়ে রয়েছে। গোটা শিলিগুড়ি শহরে এই অবস্থা। নিকাশি নালা ঠিকমতো পরিষ্কার হয় না, জঞ্জাল সাফাই। এখনও যদি ঘুরে দেখো তোমরা, এই যে পাশেও দেখবে একটু গিয়ে যে ভ্যাট উপচে পড়ছে রাজারামমোহন রায় রোডে, এখনও বেলায় 1টা বাজে জঞ্জাল সাফাই হয় না ঠিকমতো। এই চিত্র গোটা শিলিগুড়ি শহরে মশা মারার তেল, ব্লিচিং পাউডার, এই সমস্ত ছিটানো, ড্রেনগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করা, সেই কাজ হচ্ছে না। অতি দুর্ভাগ্যের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে শিলিগুড়ি শহরে এই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ইতিমধ্যেই 2 জন ব্যক্তি এবং ছাত্রী তারা মারা গেছে। বহু মানুষ যারা আক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু এই পুর কর্পোরেশন উদাসীন। আমরা পুর কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষকে আজকে স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছি। अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर संगठन की ओर से मंगलवार को सिलीगुड़ी में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। संगठन के सदस्य आज सिलीगुड़ी के बागा जतिन पार्क में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक विरोध रैली निकाली। बताते चले, किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय मजदूर किसान संगठन की ओर से आज कोलकाता में 99 अभियान के तर्ज पर सिलीगुड़ी में उत्तर कन्या अभियान का आह्वान किया गया। संगठन में 7 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल ने किसान संगठनों की मांग को लेकर उत्तर कन्या में ज्ञापन सौंपा। मालदा जिला प्रशासन भवन के सभागार में मंगलवार को फैक्ट्री लाइसेंस को बीमा समेत विभिन्न विषयों पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन जिला उद्योगपतियों, कोल स्टोर और औद्योगिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यशाला में अपर जिला आयुक्त भूमि एवं स्पष्टीकरण संपा हाजरा, जिला औद्योगिक केंद्र के प्रबंधन मानवेंद्र मंडल, उद्योगपति उज्ज्वल शाह समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पश्चिम बंगाल गृह शिक्षक कल्याण समिति के सदस्यों ने विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को मालदा के मानिक चौक स्थित प्रशासनिक भवन के सामने धरना प्रदर्शन दिया। समिति के मानिक चौक इकाई के सदस्यों ने अपनी मांग को लेकर वीडियो जय आमद को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मूल रूप से प्राथमिक एवं हाई स्कूल के सरकारी शिक्षकों द्वारा ट्यूशन पढ़ाने पर रोक लगाने की मांग की गई। आज के मानिक चौक यूनिट गृह शिक्षक कल्याण समिति पक्ष थाना থানায় একটা ইনফর্ম দিলাম, কারণ হাই স্কুল এবং প্রাইমারি শিক্ষকরা অন্যায়ভাবে টিউশন পড়াচ্ছেন। সেই 2009 সালে হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের আইন অনুযায়ী, এটা কিন্তু নিশ্চয় আপনারাও জানেন বা আমরাও জানি এবং প্রত্যেকটা প্রশাসন লেভেলেও জানে যে এই টিউশন পড়ানো হচ্ছে তাদের আইনের বিরুদ্ধে। তাহলে প্রত্যেকটা মানুষকে এবং ছাত্রছাত্রীকে ভুল বুঝিয়ে যে আমরা নম্বর বাড়িয়ে দেবো, অ্যাসাইনমেন্টে নম্বর বেশি দেবো, এই বলে স্কুলে তারা পড়াশোনা না করিয়ে তারা এই প্রতিলোভন দেখিয়ে তারা টিউশন পড়াচ্ছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন, এর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। এর বিরুদ্ধে যতদিন আমাদের এই আমরা সফলতা পাবো না, তার এই টিউশন ছাড়বে না, ততদিন আমরা এই আন্দোলন চালিয়ে যাব। ঠিক গিয়েছিলাম এবং আমাদের আইসি সাহেবের সাথে দেখা হয়নি, মেজবাবুর সাথে দেখা হয়েছে। মেজবাবু বললেন যে ঠিক আছে। अब तक
लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइफ के साथ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है, प्रोडक्ट, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।